एक बार की बात है, जब एक लड़का सड़क से गुजर रहा था तब उसने एक डॉग को देखा जो मरने की कगार पर था, जिससे उस लड़के को बहुत ही दुख हुआ। और उस लड़के ने वैसे डॉग्स के लिए कॉलर बनाया जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता था, और ये आइडिया काम करने लगा, जिसे गाड़ी चलाने वाले लोग दूर से देख लेते थे, जिससे एक्सीडेंट से डॉग्स की मौत में कमी होने लगी। तभी टाटा ग्रुप कंपनी न्यूज़पेपर में इस लड़के को कवर किया और इस लड़के के द्वारा बनाए गए कॉलर को लोग डिमांड करने लगे। तब उस लड़के के पास इतना फंड नहीं होने की वजह से लड़के के पिता ने लड़के से कहा, क्यों ना तुम रतन टाटा सर को लेटर लिखो। लड़के ने सोचा, रतन टाटा सर को लेटर कैसे लिखूं। जैसे तैसे लड़के ने अपने हाथों से रतन टाटा को लेटर लिखा। फिर 2 महीने बाद रतन टाटा सर ने इस लड़के को लेटर को सिग्नेचर करके रिप्लाई आया, जो लड़के के लिए मिरेकल साबित हुआ। लड़के को बुलाया गया और उसका काम को बहुत ही तारीफ की गई। और रतन टाटा सर भी डॉग से बहुत प्यार करते हैं। वैसे डॉग्स को सड़कों पर घूम रहे, वैसे डॉग्स के लिए बहुत कुछ किया वो कर रहे हैं। और इस लड़के के काम के लिए फंडिंग भी मिला। तब उस समय लड़के की पढ़ाई चल रहा था। जब लड़के ने मास्टर डिग्री पूरा करने के बाद विदेश से इंडिया लौटा, तब रतन टाटा सर ने खुद कॉल किया, इस लड़के से कहा, मेरा ऑफिस में बहुत सारा काम है, क्या आप मेरे असिस्टेंट बनोगे। यस फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ संतनु नायडू के बारे में। इसकी स्टोरी से हम सबको क्या सीखनी चाहिए, मुझे कमेंट में बताना।